Good morning, student. This is your first class, and now I am going to teach you social studies subject, and this is the class 4. Okay, student. Firstly, I want to tell you this is your first class, so you listen my word carefully and try to understand. And now I want to tell you about on your syllabus. So see the top. सबसे पहले आप ऊपर देखिए content. कंटेंट में यूनिट 1 है आवर कंट्री. ओके, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है. सो द चैप्टर 1 इज आवर कंट्री इंडिया, सेकेंड इज द ग्रेट हिमालयस, थर्ड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, फोर्थ इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड आफ्टर दैट मॉडल टेस्ट पेपर. इसमें मॉडल टेस्ट पेपर है, 1 to 5 चैप्टर्स के मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे. उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, उनको आपको बनाना है. एंड द सिक्स चैप्टर इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ग्रुप एंड सेवन्थ इज द क्लाइमेट. इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है. ओके, अब हम लोग चैप्टर्स की ओर चलते हैं. तो सबसे ऊपर देखिए फर्स्ट चैप्टर आवर कंट्री इंडिया. देखिए फर्स्ट चैप्टर आवर कंट्री इंडिया. ओके, फर्स्ट लाइन देखिए. अब फर्स्ट लाइन चैप्टर का फर्स्ट लाइन क्या है? इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री. इंडिया एक विशिष्ट देश है. यूनिक का मतलब क्या होता है? स्पेशल, विशिष्ट. ओके, इट कंप्रेस्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया में सबसे पुराना सभ्यता देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में. बस इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता देखी जाती है. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए. इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का सातवां दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए. वेयर एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वेयर एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. लेकिन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या. ओके, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. जनसंख्या की दृष्टि से यह सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड का. ओके, आफ्टर द चाइना. क्वेश्चन फिर से सुनिए. इंडिया जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड का दूसरा कंट्री है चाइना के बाद. मीन्स चाइना सबसे पहला कंट्री है, सबसे पहला लार्जेस्ट कंट्री है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और इंडिया दूसरा. और ऊपर जो हम लोग पढ़े, इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से इंडिया जो है सातवां लार्जेस्ट कंट्री है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा. इसको याद रखिएगा. आगे देखिए, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,264 स्क्वायर किलोमीटर. ये इंडिया का एरिया बताया गया, इसको याद रखिएगा. इंडिया का एरिया कितना है, पूरे इंडिया हमारे देश का एरिया कितना है? ओके, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्नो कवर्ड हिमालयस हाइट्स टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ. हमारा देश जो है हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है. स्नो का क्या मतलब होता है? बर्फ. ठीक है, और साउथ में दक्षिण के भाग में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मीनिंग होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए. ओनली रशिया कैनेडा चाइना द यूएसए ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया है लार्जर एरिया देन इंडिया. ओके, अभी आपको बताएं, इंडिया जो है सातवें नंबर पे एरिया के दृष्टिकोण से. सबसे पहले नंबर पे रशिया है, उसके बाद कनाडा है, सेकंड नंबर कनाडा, थर्ड इज़ चाइना, फोर्थ इज़ यूएसए, फिफ्थ इज़ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर दैट इंडिया. समझ रहे हैं स्टूडेंट? आगे की लाइन देखिए. एज द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द इंडिया. सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री के रूप में इंडिया जो है एशिया के पूर्वी भाग में पाया जाता है, और यहाँ पे आगे की लाइन देखिए. मार्क्ड ऑफ बाय माउंटेन एंड द सीज विच गिव्स द कंट्री अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एंटिटी. ओके, इंडिया जो है एशिया के पूर्वी भाग में पाया जाता है, और यहाँ पे पर्वत, सीज, महासागर, सागर, ओके, ये सभी ज्योग्राफिकल एंटिटी का मतलब होता है ये सभी
ज्योग्राफिकल अस्तित्व देखने को मिलता है। इंडिया में क्या बहुत ही विशिष्ट, इंडिया जो एक विशिष्ट कंट्री है, क्यों है विशिष्ट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स, सागर और यहाँ की जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है, भौगोलिक छटा जो यहाँ की बहुत अच्छी है, और यहाँ पे ये सभी चीज़ देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इंडिया को यूनिक कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन राइटली कॉल्ड सब कंटिनेंट, इसलिए इसे उप महाद्वीप भी कहा जाने लगा है। ठीक है, इंडिया को यूनिक कंट्री तो कहा ही जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के रहते हुए, माउंटेन्स, सागर और यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, इसे उप महाद्वीप भी कहा जाता है। स्टूडेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द सब कंटिनेंट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का सब कंटिनेंट, साउथ एशिया का ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अब देखिए मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड का मैप है। ओके स्टूडेंट, वर्ल्ड का मैप है, इसमें इंडिया का लोकेशन दिखाया गया है। ढूंढिए इंडिया, यहाँ पे है इंडिया, सबको दिख रहा है, दिख गया इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, सबसे ऊपर लुक एट द एडज्वाइनिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोगों को ये मैप देखना है, साथ में जो मैप दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है राजनीतिक नक्शा, जिसमें अपने देश के अंदर कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ को दिखाया जाता है, स्टेट्स को दिखाया जाता है। ठीक है, ओके, समझ गए। पॉलिटिकल आगे पढ़िएगा तो अच्छे से दिया रहेगा, अभी थोड़ा सा बताते हैं पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल का मीनिंग होता है राजनीतिक मैप, जिसमें स्टेट्स के बाउंड्रीज़ और कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के बारे में दिखाया रहता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल। ओके, तो इंडिया जो है, इंडिया में 29 स्टेट हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसमें हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली। ओके स्टूडेंट, क्या है राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली, देखिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी मिला हुआ है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सट्रीम नॉर्थ, सबसे ऊपर नॉर्थ में, उत्तर के साइड में जम्मू एंड कश्मीर है। ये नक्शा देखिए तब समझ में आएगा, नक्शा देखिए, जम्मू कश्मीर ढूंढिए, जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये ऊपर में जम्मू कश्मीर मिल गया। ठीक है, सबसे नॉर्थ में, ऊपर में जम्मू कश्मीर है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कन्याकुमारी लाइज एट द साउदर्न टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। सबसे नीचे मैप में, सबसे नीचे लास्ट में कन्याकुमारी है। ठीक है, सब जानते हैं साउथ में सबसे, इंडिया के सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी पाया जाता, कन्याकुमारी है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन देखिए, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आवर कंट्री मेजर्स 3214 किलोमीटर। क्या है यहाँ बताया गया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे कंट्री को मेज़र किया गया, मापा गया है, तो कितना किलोमीटर होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। गुजरात जो वेस्ट में है, और वेस्ट में मतलब पश्चिम में, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है, इट्स मेजर देखिए कितना लिखा हुआ है, 2933 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर मेजर किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। मैप में देखिए, मैप में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, गुजरात यहाँ पे है, गुजरात मिला आप लोगों को यहाँ पे, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यहीं पे है, यहाँ पे है अरुणाचल, ये है, ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक का जो दूरी है कितना है, 2933 किलोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट, इंडिया इज़ द वाइडेस्ट इन द मिडल। इंडिया जो है बीच में बहुत चौड़ा है, ये देखिए बीच में चौड़ा है कि नहीं, एंड बिकम्स नैरो टुवर्ड्स द साउथ, और साउथ में या
नैरो हो जाता है। ये नीचे देखिए साउथ में ये नैरो हो रहा है, इसी को डिनोट किया गया है, नैरो हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई थ्री बिग वाटर बॉडीज। साउदर्न पार्ट, दक्षिण का जो पार्ट है इंडिया का वो बहुत बड़े वाटर बॉडी से घिरा होता है, महासागरों से घिरा होता है। ठीक है, देखिए इन द ईस्ट इज द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इन द वेस्ट इज द, आगे देखिए, इन द वेस्ट इज द अरेबियन सी। ठीक है, वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड टुवार्ड्स द साउथ इज द इंडियन ओशन। ठीक है, साउथ में क्या है, हिंद महासागर। वेस्ट में अरब सागर है, ईस्ट में वेस्ट ऑफ बंगाल है, और साउदर्न साउथ में हिंद महासागर है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, आगे की लाइंस देखिए, इंडिया इज ओनली, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ वन ओशन आफ्टर इट्स नेम। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसका नाम महासागर के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर, हिंदुस्तान। ओके, हिंद महासागर के नाम पे हमारे देश का नाम रखा गया, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री है जिसका नाम महासागर के नाम पे रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का, एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है वर्ल्ड का। इट कंप्रेजेस अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया, जिसमें एशिया में पूरे वर्ल्ड का, पूरे टोटल एरिया वर्ल्ड का जितना भी एरिया उसका 30% एशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, परसेंटेज हम लोग 100 में लेते हैं, 100 का 30% क्या है, वो एशिया में पाया जाता है पूरा एरिया। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इंडिया इज लॉकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो इंडिया जो है एशिया के साउदर्न पार्ट में पाया जाता है, साउदर्न मतलब दक्षिण के भाग में पाया जाता है। वर्ल्ड के मैप ओपन कीजिएगा तो इंडिया दक्षिण वाले भाग में इंडिया का मैप बना होगा, छोटा सा वो मैप देखने से आपको पता चल जाएगा वर्ल्ड का मैप। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, मैनी कंट्रीज हैव कॉमन बाउंड्री विथ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंडिया की सीमाओं से सटे होते हैं, उनका कॉमन बाउंड्री होता है, एक ही बाउंड्री होता है, वो दूसरा कंट्री और इंडिया दोनों का बाउंड्री एक ही बाउंड्री होता है, कॉमन होता है। ओके, विथ इंडिया दीज आर, अब देखिए कौन कौन से कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी बांग्लादेश। ओके, वो पड़ोसी देश हैं ये सभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी जो कंट्री हैं इन सब की सीमाएं जो हैं कॉमन हैं। इंडिया और पाकिस्तान का सीमा कॉमन होगा, अफगानिस्तान और इंडिया का कॉमन होगा, नेपाल और इंडिया का कॉमन होगा, इसी तरह बांग्लादेश तक ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आपको ये सारे कंट्री को ढूंढना है तो मैप में देखिए, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा, आप लोग बुक में ढूंढ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, भूटान है, ओके, यहाँ म्यांमार है, श्रीलंका सबसे नीचे है, इसी तरह सारे मिल जाएंगे, अच्छे से ढूंढिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, श्रीलंका, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो स्ट्रेट। श्रीलंका जो इंडिया से एक स्ट्रेट लाइन से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है, फॉर द पार्क स्ट्रेट, उसे पार्क स्ट्रेट कहते हैं, जो साउथ में है, इंडिया के साउथ भाग में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो श्रीलंका जो इंडिया से सेपरेट होता है एक रेखा से, उसे पार्क रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, जो साउथ में है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल दीज कंट्रीज आर आवर नेबर, सभी जितने भी देश हैं हमारे पड़ोसी देश हैं, कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। लॉकेटेड देम ऑन द मैप ऑफ एशिया, जिसे एशिया के मैप में दिखाया गया है। ठीक है, एशिया का जो भी मैप होगा उसमें सबको लॉकेट किया गया है। अब आगे देखिए, टू इट्स नॉर्थ इंडिया कंप्रेजेस लैंड बाउंड्रीज एंड टू इट्स साउथ ऑन ओशन बाउंड्रीज। तो इंडिया जो है उत्तर में, इंडिया जो है लैंड के बाउंड्री से घिरा हुआ है,
ठीक है, भूमि से घिरा हुआ है, और साउथ में जो है ओशंस के बाउंड्री से महासागर पूरी इंडिया को घेरे रहता है, ठीक है समझ गए। नॉर्थ में इंडिया जो है लैंड के बाउंड्री से घिरा रहता है, और साउथ में सबसे नीचे देखिए ये सभी जितनी भी ब्लू कलर में ये सभी पानी को दर्शाया गया, जल को दर्शाया गया, ठीक है, सागर महासागर को दर्शाया गया, ठीक है। इसलिए कहा जाता है साउथ में इंडिया जो है पूरे ओशंस के बाउंड्री से घिरा हुआ है। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को जितना आज पढ़ाया गया है उन सब का वर्कशीट भेज दिया जाएगा। वर्कशीट का मतलब है जितना भी हम पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चंस रहेंगे, और उस क्वेश्चंस को आपको बुक से देख के ढूंढ के लिखना है। ओके, तो इससे पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, और उस वर्कशीट को हम पहले चेक करेंगे। ओके, वर्कशीट को चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को वर्कशीट दिया जाएगा, वो आप वर्कशीट आप पूरा कर लीजिएगा और हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू होगा।